अलीगढ़ की बात करेंगे, जहां पर 2.5 साल की मासूम की मौत की खबर 7 दिन से देश भर की सुर्खियों में है और इस जघन्य हत्याकांड ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर मासूम को न्याय दिलाने के लिए मुहिम शुरू की गई है। खास बात यह है कि मुहिम सिर्फ अलीगढ़ में ही नहीं बल्कि देश भर से लोग बच्ची के परिवार के साथ खड़े हैं। नामी फिल्मी सितारे और अनगिनत बड़ी हस्तियों ने अपने ट्विटर अकाउंट से मासूम को न्याय दिलाने की आवाज उठाई है। शुक्रवार तक ऐसे करीबन 70,000 ट्वीट अलीगढ़ पुलिस ने रीट्वीट किए और अब तक पुलिस की कार्रवाई जो हुई है उससे लोगों को अवगत कराया गया है। इस बीच पूर्व DGP विक्रम सिंह ने कहा कि अलीगढ़ मामले में पुलिस ने कई भूल की है, तो वही UP पुलिस ने मामले की जांच के लिए SIT गठित कर दी है। मामले की जांच में तेजी आने के आसार अब जताए जा रहे हैं। तो वही अलीगढ़ SSP ने कहा कि लगातार हम इस घटना पर संवेदनशीलता बनाए हुए हैं, किसी भी सूरत में दोषी को नहीं बख्शा जाएगा और इस मामले में एक SIT का गठन SP ग्रामीण और SP क्राइम के नेतृत्व में बनाया गया। इस टीम में महिला थाने की SHO को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हो पाई है, फिर भी हमने पोस्टमार्टम की स्लाइड और अन्य चीज़ों को फॉरेंसिक लैब आगरा भेजा है जाँच के लिए और हर हाल में दोषियों पर NSA की कार्रवाई की जाएगी, साथ ही केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी लिया जाएगा। तो घटना पर संवेदनशीलता बनाए हुए है और SIT का गठन कर दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है दोषियों को पकड़ लिया जाएगा, आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और जो दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, किसी भी सूरत में उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। अलीगढ़ मर्डर मामले को लेकर SSP ने ये बात की है और कहा कि घटना को लेकर संवेदनशीलता अभी तक बनाई गई है। फिलहाल SIT का गठन हो चुका है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही जो है मामले में कार्रवाई होने के आसार जताए जा रहे हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए मामले को जल्दी सुलझाने की कोशिश रहेगी।